नाम यूसुफ अजहर उर्फ मोहम्मद सलीम उर्फ उस्ताद गौरी। काम आतंकवाद फैलाना, फिदायिनों को ट्रेनिंग देना। अपराध आतंकवाद, भारत के खिलाफ साजिश। ये परिचय है उस आतंकवादी का जिसे वायुसेना के जाबाज पायलटों ने ताबड़तोड़ बमबारी कर जहन्नुम पहुंचा दिया। भारतीय वायुसेना ने आतंक के आका मसूद अजहर को ऐसा जख्म दिया जो उसे सालों साल ता रहेगा। भारतीय वायुसेना के हमले में जैशे मोहम्मद सरगना मसूद अजहर का साला यूसुफ अजहर मारा गया है। यूसुफ अजहर ही वो शख्स था जो मसूद अजहर की निगरानी में पाकिस्तान के बालाकोट इलाके में आतंकी कैंप चला रहा था। इसी कैंप में वो जैश के आतंकियों को ट्रेनिंग देता था। उसका दूसरा नाम भी था उस्ताद गौरी। वो काफी समय से जैश के साथ काम कर रहा था। 1999 में कंधार विमान अपहरण कांड को अंजाम देकर मसूद अजहर को छुड़ाने में उसका सबसे बड़ा हाथ था। हालांकि वो कभी लाइमलाइट में नहीं आता था। मसूद अजहर को छुड़ाने के बाद वो जैश को मजबूत करने और आतंकियों को तैयार करने में लगा हुआ था। पुलवामा हमले के बाद मंगलवार तड़के भारतीय वायुसेना के हमले में इस आतंकी का अंत हो गया। इस हमले में जैश का सरगना मौलाना मसूद अजहर बच तो गया है, लेकिन उसके खानदान का लगभग खात्मा हो गया, क्योंकि इस हमले में साले के साथ मसूद अजहर के दो भाई भी मारे गए हैं। इनका नाम मौलाना अम्मार और मौलाना तलहा सैफ बताया जा रहा है। मौलाना अम्मार कश्मीर और अफगानिस्तान में सक्रिय रहा है, जबकि मौलाना तलहा जैश के ऑपरेशन विंग का हेड था। इस हमले में जैश के कई टॉप कमांडर और ट्रेनरों के भी मारे जाने की खबर है।